रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, ऑनरेबल पेरेंट्स, रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी पाकिस्तान। आज की वीडियो जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 30 के ऊपर ये कंसिस्ट करती है। हमने इसमें बड़े हुई बार बार आपको बताते हैं कि हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस हम ऐड करते हैं, फ्रेश क्वेश्चंस ऐड करते हैं जो कि आपके बिल्कुल टेस्ट पैटर्न के मुताबिक हैं। और इवन देन के ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके तमाम रिटन एकेडमिक टेस्ट के अंदर। सो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखें, एंड तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो के ऊपर जो बिल्कुल नए व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम वो तमाम एकेडमिक टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कमिशनिंग्स, एयरमैन, एयरवुमेन, एरो ट्रेड्स, स्पोर्ट्समैन, PFNDI और ISSB और अदर रैंक्स, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविलियन, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियंस, सेलर्स और पाकिस्तान नेवी के टेक्नीशियंस और पाकिस्तान नेवी के मैरीन्स के लिए भी जितने एकेडमिक टेस्ट हैं उनमें आपका जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पोर्शन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 इज अ केक इज कट सो दैट वन पीस व्हिच इज हाफ ऑफ द केक इज ट्वाइस एज लार्जेस्ट एज द अदर पीस। हाउ मेनी पीसेज आर देयर। मैं छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ बेटा। यहाँ पे हम एक केक की तस्वीर बना लेते हैं, जिस तरह राउंड शेप में आप किसी बेकरी से केक लाते हैं, तो वो उनका कहने का मकसद ये है कि इस केक को हमने हाफ कर दिया दरमियान में से, फिर इसका जो एक हाफ था उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है जी, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो केक का ए पार्ट है और ये केक का बी पार्ट है। ठीक है जी, ये इसके दो हिस्से हैं और जो सी पार्ट है इसका हाफ पीस है। अब एक दफ़ा फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गौर से पढ़ते हैं। अ केक इज कट सो दैट, एक केक को आपने इस तरीके से काटा है सेंटर में से। ठीक है, ऐसे आपने काटा है, सेंटर में से को आपने काट दिया छुरी की मदद से। दैट वन पीस विच इज हाफ ऑफ द केक, यानी एक जो पीस है इसमें, ये देखें आपको ये नजर आ रहा है, एक जो पीस है केक का जो सी पीस है इसका, वो बिल्कुल दैट इज द हाफ ऑफ द केक इज ट्वाइस एज लार्जेस्ट एज द अदर पीस। ठीक है जी, ये देखें इससे दो गुना बड़ा है। ठीक है, ये जो अदर पीस है इससे दो गुना बड़ा, यानी इसको और इस पीस को आपस में दो गुना, दोनों को मिलाएं तो आपका ये बनता है। फिर वो कहता है एज लार्जेस्ट एज अदर, हाउ मेनी पीसेज आर देयर। अब ये बताता है टोटल कितने पीसेज हैं। अल्टीमेटली ये तो बड़ा सिंपल सा अंडरस्टूड सा क्वेश्चन है कि इसके टोटल तीन पीसेज बन गए, ए बी सी। ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी और डी भी रॉन्ग है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 1, 0। जी, ये देखें ये तीनों हैं आपके पास, समझ आ रही हैं। आपने देखना है कि इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है। सबसे पहले हम गौर करेंगे तो हमें ये नजर आता है यहाँ पे। ठीक है जी, 3, 4, 5, 6 एक सीरीज चल रही है, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 ठीक है, ये सीरीज चल रही है, यहां से उठाया इन्होंने। ठीक है, यहां से इन्होंने उठाया, यहां से रेपिटेशन की है, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट से रेपिटेशन करेंगे, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। अब सेकंड लास्ट 9 है हमारे पास, यहां से हम रेपिटेशन करेंगे। ठीक है, टोटल हमने 4 बनाने हैं, 9, 10, 11, 12। देखें ये 9, 10, 11, 12 किधर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल भी नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। 9, 10, 11, 12 पहले तो आप ये देख के कंफ्यूज हो गए ना कि यार ये 3456 से 5678 कैसे बना, 78 से 910 ये कैसे बना, आप बड़े परेशान हो गए थे। तो लिहाजा हमने आपकी परेशानी को हल कर दी है। इसका तरीकाकार ये था, 3, 4, 5, 6 पढ़ेंगे आप इसको, 5, 6, 7, 8 पढ़ेंगे और 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे, फिर 9, 10, 11 और 12 आप पढ़ के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज 4, 5, 8, 10, 11, 15। अब इसमें भी आपने ये देख लेना क्या हो रहा है, जब आप 4 से 8 बन गया, 8 से 4 12 बन गया, 12 से 4 16, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, दो सीरीज चल रही है, 5 से 5 10 बना, 10 से 5 15 बन गया, क्योंकि हमने फाइंड आउट ये करना है ना, इससे आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। दुरुस्त जवाब है आपका ऑप्शन नंबर जो 16 है, डी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4, Which one is different from the rest? Cook, judge, advocate, magistrate.
ठीक है, ये देखें जी सारे ये अदलियत से मुतल्लिका हैं, सारे जज साहब भी हैं इसमें, एडवोकेट भी हैं, वकील साहब भी हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, बट ये जो कुक हैं इनकी कैटेगरी डिफरेंट है सबसे, दैट्स वाई द कुक इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लिस्ट। आई फाइंड आउट द ऑड मैन आउट, आपने ये बताना है बेटा एंट क्या होती है, चींटी को कहते हैं, बी क्या कहते हैं, मक्खी को कहते हैं, स्पाइडर क्या होता है, ठीक है, स्पाइडर किसे कहते हैं, मकड़ा, माथ क्या होता है, ये जो भंवरा होता है उड़ता है, ठीक है, तितली नुमा होता है भंवरा सा, हेलीकॉप्टर टाइप उड़ता रहता है, उसको हम कहते हैं मॉथ, ठीक है। तो अब ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट हैं इनमें, और एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट, अब स्पाइडर जो है उस कैटेगरी में नहीं आता, ये सारे उड़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये उड़ने वाला नहीं है, एंट की भी कुछ पर होते हैं और ये चींटियाँ उड़ती भी रहती हैं, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज द डिफरेंट वन, स्पाइडर इज द डिफरेंट वन। लाफ्टर इज टू जॉय, जब आप खुश होते हैं ना तो फिर आप हंसना शुरू कर देते हैं, मतलब ये है कि आप लाफ्टर देते हैं, कैका लगाते हैं, ठीक है, और जब आप कहीं परेशानी के आलम में होते हैं, गम में होते हैं, ठीक है, और फीलिंग सारो जो होती है जब, तो उस वक्त आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, ठीक है, सारो के लिए जो होता है जब बहुत गम आपको मिलता है तो फिर आपके क्या होते हैं, टीयर्स बहना शुरू हो जाते हैं, और जब आप जॉय होता है आपको तो फिर आप लाफ्टर देते हैं। सेवन, पॉन्ड इज टू ओशन, जी पॉन्ड का मुकाबला जनाब ये ओशन के साथ कर रहे हैं, अब शैलो का मुकाबला किसके साथ करेंगे, पॉन्ड छोटा सा जोड़ होता है और बड़े समुंदर के साथ मुकाबला, शैलो कम गहरा और डीप बहुत ज्यादा गहरा, मेरे ख्याल में जनाब ये डीप है और यही इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर बी ख्याल नहीं है बल्कि ये दुरुस्त और एक्यूरेट जवाब है, ख्याल नहीं चलता भाई, एक्यूरेसी चलती है। नॉलेज इज टू लर्न इट, जब इल्म मिलता है तो बंदा उससे बहुत पढ़ा लिखा बन जाता है, लर्नड हो जाता है, जब दौलत आती है तो बंदा क्या दौलतमंद बन जाता है, ठीक है, रिच बन जाता है, रिच नहीं बन जाता बल्कि रिच बन जाता है, ठीक है, तो ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है, बाकी रॉन्ग है। फिश इज टू वाटर, फिश पानी में रहती है और एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, जो जानवर होते हैं जंगल में रहते हैं, जू में रहते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें लैंड के ऊपर है ना भाई, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जहाँ भी जाएँ, ठीक है, वो घर है या बाहर है, जंगल है, जू है, फॉरेस्ट है, वो तो सारा लैंड के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर ही रहते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट, आपने बताना है सिंगल, पेयर, अलोन, सॉलिटरी, जी सिंगल अकेला, ठीक है, ये भी डिफरेंट है, ठीक है, मतलब अलोन ये भी डिफरेंट है, सॉलिटरी ये भी डिफरेंट है, यानी कि इन तीनों के ना मीनिंग्स एक जैसे हैं, बट इनमें जो पेयर है ना ये सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है, हमारा जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेयर कहते हैं जोड़ा, सिंगल नहीं होता ये जोड़ा होता है, इसको हम कहते हैं जोड़ा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 इज किंग इज टू क्वीन, जी क्वीन के मुकाबले में क्या होता है, जी क्वीन है, और राजा के मुकाबले में क्या है, प्रिंसेस है, रानी है या एम्प्रेस है, जी राजा के मुकाबले में रानी है जनाब, ठीक है, जी हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, इज टू ब्लेस, जी कर्स होता है किसी के ऊपर लान तान करना, बुरा भला करना, ब्लेस होता है मेहरबानी करना, नेकी करना किसी के लिए, अच्छाई करना, डिनाय का मतलब होता है किसी चीज से इनकार कर देना, ठीक है, और परमिट भी नहीं हो सकता, अप्रूवल भी नहीं हो सकती और रिफ्यूज भी नहीं हो सकता, तो लिहाजा डिनाय का जो यहाँ पे आ रहा है अपोजिट, ठीक है, वो है एडमिट, कबूल कर लेना, एतराफ कर लेना। द ऑड मैन आउट, सोक्रेट्स, हैंडल, बेथोवन एंड वुल्फगैंग मोज़र्ट, ठीक है जी, ये सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि इलम से रिलेटेड हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और स्कॉलर्स हैं, बट ये जो हैंडल है, हैंडल इज टोटली डिफरेंट, ये हमारा इस कैटेगरी में नहीं आता, इसको हम कहेंगे ऑड मैन आउट ऑप्शन नंबर बी, बाकी तीनों सेम कैटेगरीज के लोग हैं, बट दिस हैंडल इज एन इक्विपमेंट। कर्स इज टू ब्लेस एंड डिनाय इज टू एडमिट, ये पहले हम कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया, फिर भी आपको हम बता देते हैं, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 15, इंसर्ट द मिसिंग नंबर, जी अब यहाँ पे हमने देखना है कितनी सीरीज चल रही है, सबसे गौर आपने ये करना है, 17 में एक माइनस हुआ 16, वन माइनस हो गया 15, वन माइनस हो गया तो 14, आपका ये खाली जगह पे
जवाब आ जाता है। दूसरी सीरीज चल रही है 19, 20, 21 और ये 22, लेकिन हमारा जवाब जो है ये 14 है, 14 है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा दुरुस्त जवाब। ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने आपके साथ शेयर किए, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे और ज़रूर आप हमारी एकेडमी शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, क्लासेस अटेंड करें। ISSB की भी यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, कंप्लीट टास्क अवेलेबल हैं यहाँ पे आपको, हर किस्म की डायमेंशंस करवाई जाती हैं और टाइम से पहले आपको मुश्किल इम्तिहानात के लिए तैयार किया जाता है। और इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए से भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है अकेडमी आना तो आप हमारी वेबसाइट www.shaheenleaderacademy.com को भी इस्तेमाल करें, वहाँ पे हर किस्म के नोट्स और हर किस्म के टेस्ट अवेलेबल हैं। सामने आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जो माशाल्लाह कमीशन ऑफिसर्स आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने भी कल मेहनत की और आज अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा आप भी इंशाल्लाह ज़रूर यूनिफॉर्म पहनेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर आपने मेहनत की तो। साथ हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब और कामरान करें, क्या आप मेहनत करें, बाकायदा से कोचिंग लें, बाकायदा से तैयारी करें और अपने टारगेट को आप प्रॉपरली हिट करें। जो आपका एम ऑफ लाइफ है बग़ैर अच्छी तैयारी से, बग़ैर प्रॉपर गाइडेंस के, बग़ैर प्रॉपर कोचिंग के कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं। मेरी आपसे यही गुजारिश है जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सामने स्क्रीन पे तस्वीर देख सकते हैं, ये हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के हीरो हैं जनाब एयर कमोडोर MM आलम, जिन्होंने चंद सेकेंडों में दुश्मन के 8 जहाज गिराए थे। ठीक है जी, अल्लाह पाक इनको गरी की रहमत करे, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। बाकी ये ज़रब कलीमी की जो एडिटोरियल बोर्ड है इसमें डायरेक्टर एकेडमी आपके सामने हैं और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के मायनाज राइटर मोहम्मद अकील मलिक साहब हैं और ये जनाब मुदस्सर कहूट साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के एक मायनाज शायर, एक बहुत अच्छे राइटर, और उनके साथ दाएँ तरफ जनाब खड़े हैं वफ़रान कामिल साहब जो कि हमारी इस फैकल्टी का भी एक हिस्सा हैं और ये भी माशाल्लाह उर्दू अदब के साथ बहुत बड़ा लगाव है और एक बड़े माशाल्लाह मायनाज शायर भी हैं। तो ये हमारा इस अजीम हस्ती के साथ एक ग्रुप फ़ोटो है जब हमने उनका ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू कंडक्ट किया था और ये उनकी लाइफ का जो लास्ट इंटरव्यू है वो हमारी इस जो एक ज़रब कलीमी की एक लिटरेरी टीम थी, हमारा जो एडिटोरियल बोर्ड था ज़रब कलीमी का, उसको माशाल्लाह ये एज़ाज़ हासिल हुआ है और हम अल्लाह पाक के बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये इज़्ज़त बख्शी और उस हीरो के साथ हमारी ज़िंदगी के चंद लम्हात गुजरे। तो जनाब इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चाहते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।